71वें स्वतंत्रता दिवस पर पानीपत के आर्य कॉलेज में राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। कंबोज ने अपने भाषण के दौरान देश और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी नीतियों के बारे में जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सुबह करीब 9 बजे राज्य मंत्री ने तिरंगे को सलामी देने के बाद पुलिस और अन्य विभागों की परेड की सलामी ली। पुलिस परेड की अगुवाई डीएसपी हेडक्वार्टर जगदीप धून ने की। राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने अपने भाषण के दौरान देश की आजादी के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आज उन्हीं शहीदों की बदौलत आजादी की खुली हवा में वो सांस ले रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाई जा रही नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने जल कल्याण के लिए अनेक स्कीमें शुरू की हैं जो जनता के हित में हैं। कंबोज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए अलग से सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। देश के सैनिकों के सम्मान हेतु वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सबका साथ सबका विकास तथा अंत्योदय के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। भाषण के बाद परेड की सलामी लेने के बाद गुब्बारे छोड़कर एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया गया। बाद में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस पर यह तिरंगा फहराकर मुझे बड़े गर्व एवं खुशी का अनुभव हो रहा है। इस पावन अवसर पर मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाले सभी ज्ञान अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके अनुभव बलिदान के कारण आज आजादी की खुली हवा में साथ ले रहे हैं। मैं उन बहादुर सैनिकों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भाइयों और बहनों, आजादी हासिल करने के लिए हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आजम प्रसाद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और देशभक्तों ने देशों में अंग्रेजों की अमान्य आयाचनाएं कही और अमूल्य बलिदान दिए। 54 मंडियां ऑनलाइन की गई है। किसान के मंडी के माध्यम से अपने उत्पादों को देश के किसी भी हिस्से में ऑनलाइन बेच सकते हैं। भाइयों बहनों, लोगों की सुविधा के लिए ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली, पीएम विंडो, पीएम वेब पोर्टल तथा हर समय पुलिस पोर्टल की शुरुआत की गई है। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हरियाणा सरकार की पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े लिखे तथा साफ सभी के लोगों को आगे आने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता की गई तरफ भारत के सर्वोच्च अदालत ने भी सराहना की है।